नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। और आइए अब आपको सीधे लेकर के चलेंगे पुनासा, जहां कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। चाहे उड़द हो, कपास हो या मिर्ची हो, उसकी आरबीसी 6-4 में 42,100 किसान है यहाँ के, सभी को मुआवजा दिया जाएगा और वो लगभग होगा 107 करोड़ से भी ज्यादा। और बीमा भी हमने 100% कर दिया है। कमलनाथ जी ने फिर धोखा दिया, कर्जा तो माफ किया नहीं और बीमा भी जो 100% था उसको 75 कर दिया। उसके 62,243 करोड़ मिलना था, जो 4,688 करोड़ मिला। इसलिए आज मैं आपके माध्यम से किसानों की ओर से मांग करता हूं सोनिया गांधी और कमलनाथ से कि जो 1,553 करोड़ का डाका डाला है तुमने किसानों के बीमा पर, जो उनका हक था वो कम मिला है, या तो कमलनाथ से दिलवाए और नहीं तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी फंड से मध्य प्रदेश के किसानों को दे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः गांव गरीब और किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का मैं आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि किसानों के साथ, गरीबों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है और आप पे किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है। बोलो भारत माता की। धन्यवाद माननीय कमल पटेल जी। हर गरीब के साथ, हर नागरिक के साथ मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है, उन्होंने कहा अपने उद्बोधन में। अब हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं पूर्व विधायक मानदाता माननीय श्री नारायण पटेल जी। मैं साधन मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री नारायण पटेल जी को इस विशाल सभा को संबोधित करें। तो जोरदार तालियां आपकी पहुंचे नारायण पटेल जी को। आज नर्मदा के दक्षिण तट पर हमारे संत सिंगाजी महाराज के परिक्षेत्र में, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिक्षेत्र में, हमारे दादा धुनीवाले जी के परिक्षेत्र में आज मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें आज विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे खंडवा लोकसभा वन प्रदेश देश के ऐसे जाने माने आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान साहब, हमारे मानदाता विधानसभा चुनाव का जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो देख रहे हैं ऐसे जसवंत सिंह जी हाला साहब, हमारे विधायक देवेंद्र वर्मा जी, राम दरोड़ जी, हमारे जिलाध्यक्ष शिवालाल जी, गोविंद सिंह जी, सूरजपाल दादा साहब, लाला भाई, परमजीत सिंह जी, नारायण साहब, हरीश कोठवाले जी, सुभाष कोठारी जी, नारूराम मालवे जी, हमारे मंडल के चारों अध्यक्ष श्रीलंग सिंह जी, जगदीश जी, चंदू भाई, गंगा प्रसाद जी। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जो मानदाता का मॉडल बनाने वाले मेरे इस सामने बैठे समस्त मेरे बुजुर्गों और विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति आई है, हमारी माता है, पत्रकार साथियों, समय के अभाव में जरा कटौती करके बोल रहा हूं। देखिए समूचे इस कार्यक्रम में प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बरसात के पानी के मौसम में भी इतनी व्यवस्था लगाई। देखिए मेरे पहले हमारे आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान साहब ने पूरी इस क्षेत्र की मांग रखी और मैं क्यों आया, किस लिए आया, पूरा विवरण आपको पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मीट व्हाट्सएप के माध्यम से सबको मालूम है। मैं 1995 से साल 2020 तक 23 तारीख तक कांग्रेस का काम किया, बड़ी ईमानदारी से काम किया, मगर जब मैं 18 में मुझे प्रत्याशी बनाया, वो प्रत्याशी आपके बीच में बड़े बड़े मंचों पर कांग्रेस ने जो एजेंडा तैयार किया था, 84 बिंदु का जो एजेंडा तैयार किया था उसको मैंने गुणगान किया। विगत 15 महीने बीत गए मगर
एक भी बिंदु हल नहीं हुआ, चाहे किसान का हो चाहे जितनी भी जनकल्याणकारी योजना हो, सारी अवरुद्ध हो गई। अभी हमारे सांसद जी ने उसके बारे में पूरी बता दी। तो मैं जब क्षेत्र में जाता था, चौहान था, जनता से मैं उपेक्षित होता था, जनता मेरे से उपेक्षित होती थी। बड़ा दुखी हो गया मैं, कांग्रेस की सरकार भी चली गई, सिंधिया जी ने रास्ता अपना लिया, क्यों अपना आपको सब मालूम है। मैंने अपना विचार किया कि 3.5 साल बचा है, मैंने इस मानदाता की जनता के लिए मैं एक मठाधीश जैसा बैठा हूं यहां पे और कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं। तो सारा निर्णय किया और मैंने अपने आप में विचार किया कि इस पद पे रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं खुद आदरणीय शिवराज सिंह जी के पास चल के गया, इन्होंने नहीं बुलाया, मैं खुद गया और मेरी वथा बताई मैंने आपको। तो उन्होंने कहा नारायण भाई 2 रोज सोच लीजिए, 3 रोज सोच लीजिए, बड़ा पद है। मैंने कहा साहब सोच लिया, 2 रोज बाद गया, निर्णय सुना दिया और वो निर्णय आपके बीच में आ गया है। मानदाता विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि विगत 15 साल से इतने विकास कार्यों का काम हुआ है और मैं 15 महीने में इस पार्टी में विधायक बनकर मैंने अपने आप में आपी साहब जैसा साबित हो रहा था। मैंने निर्णय कर लिया और साहब को इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा इसलिए दिया कि साहब 15 साल से जो 15 महीने से जो गति रुकी हुई है आपको गति देना पड़ेगी। उन्होंने मेरे से हिसाब पूछा क्या करना है। अभी नंद कुमार सिंह जी ने सारी बातें भी दोबारा में बता दी है, तो उसमें सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय नंद कुमार सिंह जी की जो मांग को पुनरावत करते हुए मेरी एक विशेष मांग है कि सिंगाजी महाराज पर्यटक स्थल का दर्जा हो। दूसरी, हमारी नगर पंचायत मुनी को तहसील का दर्जा हो। तीसरा है कि विकास खंड किल्लोक को तहसील का दर्जा हो। बड़ा त्याग है उनका, नर्मदा सागर परियोजना में विस्थापन हुआ, उनकी भौगोलिक स्थिति बड़ी दयनीय है। तो मेरा आग्रह है साहब कि किल्लोक को भी तहसील का दर्जा हो, ग्राम पंचायत पुनासा को नगर पंचायत का दर्जा हो। हमारी उद्वहन सिंचाई जो वर्तमान में चल रही है 193 करोड़ की, आदरणीय सांसद जी ने जो कहा हकीकत बड़ी विसंगतिपूर्ण डाली हुई है, उसको माइक्रो उद्वहन सिंचाई के रूप में या विकसित हो। और ऐसी गोराड़ी मार्ग की 7 गांव नहर के किनारे से हमारे गांव बसे हुए हैं, वो सिंचाई से वंचित है, इनका भी माइक्रो उद्वहन सिंचाई के रूप में हो। ग्राम किल्लोद में पिछड़ा वर्ग छात्रावास हो, ग्राम नगर नर्मदा नगर का तो अभी आदरणीय सांसद जी ने पूरा भौगोलिक स्थिति वहां की बता दी। इस प्रकार मेरी 8-10 मांगे हैं साहब, बड़ी उम्मीद है कि आप निश्चित हमारी इन जनता को नर्वस नहीं होने देंगे। आपके कार्यकाल का मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक, केंद्र से प्रदेश तक अनुभव किया हूं, तभी मैं इस पार्टी में समावेश हुआ हूं। मेरी विचारधारा अपूर्णतः है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में समावेश हो गई है। मैं इस अवसर पर लंबे भाषण देते हुए मैं इन मांगों को साफ आग्रह पूर्व आपके चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। और देखिए, ये चुनाव है, चुनाव कभी कमजोर मत समझना। मैंने 27वें नंबर पर इस्तीफा दिया है, मेरी ये जनता निर्णय करेगी कौन से नंबर पर आपको लाना है। निश्चित आप न्याय करेंगे, मैं आपके हक के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। और शिवराज सिंह जी ने जो 2003 के बाद मध्य प्रदेश का जो मॉडल, मानदाता का जो मॉडल बनाया है, तो मैं आग्रह करूंगा कि हमारे मानदाता को आप मानदाता का मॉडल बनाए मध्य प्रदेश में। मैं इस उम्मीद के साथ ज्यादा लंबे ने भाषण देती हूँ। मैंने देखा हूं हमारे किसानों की हालत देनी हो गई है, हमारे छोटे परिवारों की हालत देनी हो गई है। तो इसमें आपने जितनी भी जनकल्याणकारी योजना 2003 के बाद चलाई थी, वो हकीकत जमीन पर सार्थक है, जमीन पर पहुंची है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं
कि ये जो 15 बैनर्स है गति ठप हो गई है, इसको आप गति देंगे और हमारी जनता निश्चित यहां परिणाम देगी और आपके बीच में विपक्ष पार्टी जरूर आएगी। उनके पास केवल दो मुद्दे हैं, तीन मुद्दे हैं, आप उनसे हिसाब पूछना, उनसे आप हिसाब पूछना कि 15 महीने में आपने क्या किया। वो केवल गद्दार कहेंगे ऐसा हो गया, दलबदल हो गया। मैं जवाब नहीं दूंगा, जनता जवाब देगी साहब, और उसका जो भी परिणाम आएगा निश्चित। और आप तो उनसे पूछिए कि आपने 15 महीने में क्या विकास किया। तो मैं ज्यादा लंबे भाषण न देती हूँ क्योंकि साहब को दूसरी सभाओं में भी जाना बोलना बहुत कुछ था। मैं हमारे टंटे मामा के चरणों में नमन करते हुए, हमारे नायक समाज के सेवादास बाबा के चरणों में नमन करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय नारायण पटेल जी। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए संत सिंगाजी महाराज की, धूनी वाले दादाजी की, बुखारदास बाबा की, संत सेवालाल जी महाराज की और टंट्या मामा की, मेरे प्राणों से प्यारी जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, भांजियों की जय में ही मामा की जय जय है। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री, किसान पुत्र नेता आदरणीय भाई कमल पटेल जी, आप सबके लोकप्रिय नेता, यशस्वी सांसद, निबाड़ की नैया और भारतीय जनता पार्टी को जिन पर गर्व है, हमारे नेता आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान जी, मेरे विधायक साथी आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, भाई राम दांगोरे जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय सेवादास पटेल जी, और जिनको मैंने बहुत मना किया, आज जनता जनार्दन के बीच कह रहा हूं, नारायण भाई मुझे मिलने आए, बोले कोई विकास 15 महीना में नहीं हुआ, मुझे तो छोड़ना है। अरे मैंने कहा दादा विधायक की बड़ी मुश्किल से मिलती है रे, ऐसे नहीं छोड़ना इन्हें, जिंदगी में सच कह रहा हूं, इन्हें जिंदगी नर्मदा मैया गवाए, मैंने इनको बार बार कहा मत छोड़ो, ऐसे विधायक की नहीं छोड़ी जाती। पहली बार इनने कहा मैं नहीं सोचो, मैंने इनको पहले मना किया, एक बार मना किया, इन्हें कहा मैंने सोच लिया दोबारा आए, फिर मैंने कहा एक बार और सोचो, और अंततः इनने सोच के कहा कि चाहे कुछ हो जाए, जब मेरे क्षेत्र की जनता का विकास और मेरे क्षेत्र का विकास और कल्याण नहीं हो रहा तो मुझे नहीं विधायक रहना है, मुझे तो आपके साथ आना है। मैं इस भाव का नारायण पटेल जी अभिनंदन करता हूं, तो तीसरी बार मैंने माना और पंजी सरपंची लोग नहीं त्यागते, बोल को छोड़ता है क्या सरपंची, अरे जोर से बताओ छोड़ता है क्या, ये विधायक पद छोड़ के आए, कैरियर दांव पे लगाया और इनने कहा मुझे तो मानधाता का विकास चाहिए, इसलिए आपके साथ आऊंगा। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप भी ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मैं भी निराश नहीं करूंगा, नारायण दादा कमलनाथ के पास तो घूम घूम के थक गए थे, वो कहते थे जब भी मिलने जाते थे टाइम नहीं, 24 घंटा 26 घंटा नहीं, चलो 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 चलो, ये कहे मानधाता के विकास की बात, वो कहे चलो चलो, ये कहे संत सिंगा जी की समाधि को पर... घोषित करो, वो कहे चलो चलो, ये कहे तुम मूली को तहसील बनाओ, वो कहे
हमने तय किया था मेरे बहनों और भाई, और आज मैं फिर घोषित कर रहा हूं कि मेरे वो बेटा बेटी जो गरीब परिवार में पैदा हुए, वो किसी जाति को हो किसी समाज के हो, क्या उनको पढ़ने का हक नहीं है? क्या उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? हमने तय किया था बहनों और भाइयों, कैसे सारे बेटा बेटियों की फीस अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी आईआईएम में भी उनका एडमिशन हो जाता है तो वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार भरवाएगी। कमलनाथ, मेरे भांजे भांजियों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने गरीब बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी, तुमने किसानों के बेटा बेटियों की फीस भरवाना बंद कर दी। हमने तय किया था संबल योजना में मेरे बहनों और भाइयों कि अगर कोई गरीब बीमार होगा तो बीमारों का इलाज करवाया जाएगा, तुमने संबल योजना बंद कर दी। हमने तय किया था मेरे बहनों और भाइयों, आज कई बहनों से मैंने बात की, असमय जिनके पति चले गए थे, हमने तय किया था एक्सीडेंट में मौत होगी 4,000 रुपया देंगे सामान्य मृत्यु होगी, 2,00,000 4,00,000 रुपया देंगे सामान्य मृत्यु होगी, 2,00,000 रुपया देंगे और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया गरीब के दिए जाएंगे। क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? तुमने 4,00,000 रुपया बंद कर दिए, तुमने 2,00,000 बंद कर दिए और गरीबों के कफन के 5,000 रुपया भी तुमने छीन लिए। कमलनाथ, इन गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हमने तय किया था बेटियों की शादी के लिए हमको देते थे 25,000 रुपया और 3,000 व्यवस्था के लिए। नंदू भैया बता रहे थे कमलनाथ अकड़ गए, बोले 51,000 देंगे। अरे 51,000 का चेक बेटियों की शादी तो करवा दी, लेकिन कमलनाथ 1.5 साल में तुमने धेला नहीं दिया, तुमने बेटियों के साथ धोखा किया। ये संबल योजना जो गरीबों की ताकत पर उभरी थी उनने बंद कर दी और आज शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। मैं फिर से गरीबों के खाते में पैसे डाल के आज आपके बीच आया हूँ। मेरे बहनों भाइयों, संबल योजना चालू रखी जाएगी। मेरे किसान भाइयों, फसल बीमा योजना के 2018 के 2,200 करोड़ रुपए प्रीमियम के खा गए कमलनाथ। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही नंदू भैया ये कमल पटेल बैठे 8 दिन के अंदर 2,200 करोड़ रुपया निकाले। कोरोना में कटी है, पैसा नहीं है सरकार के पास, खजाना खाली है, बजट का इंतजाम नहीं है, अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है, लेकिन मैं इनका चाहे जो हो जाए किसानों का पैसा नहीं रुकने दूंगा। और 2018 के फसल बीमा योजना के 2,200 करोड़ जो कमलनाथ खा गए थे निकाल के फिर से डाले तब 3,100 करोड़ रुपया मिले। और इस साल मैं जानता हूं कि कई जगह किसान को तकलीफ हुई है नारायण पटेल, लेकिन ये फसल बीमा योजना जो अभी जो पैसा बटा है इसका सर्वे शिवराज ने नहीं कमलनाथ ने करवाया था। पता नहीं कैसा सर्वे हुआ था, पता नहीं क्या गड़बड़ दिक्कत रह गई, लेकिन इस बार भी प्रीमियम का पैसा जमा करके 4,600 करोड़ रुपया तो आया है। लेकिन मेरे खंडवा जिले के किसान भाइयों, मेरे साथ देवेंद्र और राम नागवरे भी बैठे और नारायण पटेल और आदरणीय सांसद जी नंदू भैया कृषि मंत्री ने कह दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम फसलों का जो नुकसान हुआ है हमने निर्देश दिए थे ईमानदारी से सर्वे करना, वो तो सर्वे करवाते नहीं थे कमलनाथ। पिछली बार फसल खराब हुई, मैं तो विपक्ष में था, कई जगह खेतों को उतरा गया। मैंने कमलनाथ जी से भी कहा कि मुख्यमंत्री जी जरा बगले के बाहर निकलो, किसान के खेत में जाओ, फसलें देखो खराब हो गई है। तो मुख्यमंत्री तब के कहने लगे हमें नहीं जाना, हम तो बैठ के ही देख लेते हैं। अरे मैंने एक आध बार तो निकल जाओ। बोले नहीं नहीं, वो तुम घूमते हो हम नहीं जाते। मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। अरे कभी तो निकल जा भैया। तो वो कहने लगे नहीं, पर्दे में ही रहने दो, हम नहीं जाते। अब तो निकलते ही नहीं आए, जो जनता के बीच में जाए गई नहीं, तकलीफें देखे गई नहीं, उसको तकलीफ समझ में आती। नंदू भैया आए तकलीफ समझ में आ गई, नारायण पटेल आए तकलीफ समझ में आ गई, देवेंद्र है तकलीफ समझ में आ गई, राम है तकलीफ समझ में आ गई। मुझे फोन करके कहा फसल फिर खराब हुई है, फसल बीमा योजना का पैसा ठीक नहीं मिला है। और मेरे मंत्री कमल पटेल बैठे, हमने मिलकर तय कर लिया कि ईमानदारी से सर्वे करवाएंगे। कलेक्टर को निर्देश दे दिया, चिंता मत करना बहनों और भाइयों। इमाम वो कहते थे सर्वे करो ही मत, नुकसान लिखो ही मत, कम से कम लिखो ताकि देने न पड़े। हमने कहा कम मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, देने वाले ये बैठे हैं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस साल में जो फसल का नुकसान हुआ है राहत की राशि की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। और फसल बीमा योजना के बारे में कमल पटेल जी ने बता दिया है, मैं दोहराना नहीं चाहता, कभी ऐसा होता है और बढ़ा दो ताली, और बढ़ा दो ताली, और बढ़ा दो ताली।
हम कर रहे हो सबका फसल बीमा योजना, और सुनो मेरे किसान भाइयों, अब एक फैसला और हम कर रहे हैं कि फसल बीमा योजना में जो कमियां है अगले साल वो कमियां नहीं रहने दी जाएगी, नए रूप में फसल बीमा योजना किसानों की बन के आएगी, आप चिंता मत करना। एक नहीं चाहिए योजनाओं के पीछे, कल ऐतिहासिक फैसला किया आपने, और वो ऐतिहासिक फैसला था मेरे छोटे किसान एक एकड़ वाले, दो एकड़ वाले, ढाई एकड़ वाले, मेरे किसान भाइयों, कोरोना काल में हमको फसल खरीदनी पड़ी, गेहूं खरीदना पड़ा, चना खरीदना पड़ा, मैं तो घबरा रहा था क्या खरीद कैसे पाएंगे, लेकिन प्रशासन को कहा कोई किसान छूट ना जाए, सबका गेहूं खरीदना है, 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के पंजाब को पीछे छोड़ दिया हमने, मध्य प्रदेश नंबर एक पे आ गया, लेकिन फिर भी उपार्जन कितने किसानों से किया हमने, 15,00,000 किसानों से, अधिकांश किसान जो छोटे हैं उनकी फसल उपार्जन के लिए आई नहीं पाती क्योंकि घर में ही खर्चा हो जाता है पूरा अनाज, और जब प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई थी 6,000 रुपया प्रति किसान देने की, हमने कल तय कर दिया, कल की मैं तय किया, पैसा नहीं है तो भी तय किया, कई मुझसे पूछ रहे पैसा ला कहां से रहे हो, अरे शिवराज सिंह चौहान है ये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये, मैं रोऊंगा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मर गए क्या करे, कहीं से भी लाऊंगा, कर्जा लेना पड़े तो कर्जा लूंगा, मुझे कर्जा लेने में भी कोई संकोच नहीं है, लेकिन गरीबों को भी कभी नहीं आने दूंगा और किसानों को भी कभी नहीं आने दूंगा, और ये कल हमने तय किया 4,000 रुपए और जोड़ के दो किस्तों में, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6 और 4 मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के हर साल 10,000 रुपया तो किसान के खाते में सुनिश्चित जाएंगे, धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना चुन्ना जुम्मन, कोई गरीब से गरीब किसान नहीं छूटेगा, हर एक के खाते में जाएंगे, जितने खातेदार हैं चाहे वो बड़ी जोत वाले हो और चाहे वो छोटी जोत वाले हो, सबके खाते में पैसा जाएगा, एक आमदनी तो निश्चित हो जाए, 10,000 रुपया तो साल कम से कम निश्चित होगा, तो किसान के विशेषकर छोटे किसान के कई तरह के जो खर्चे परेशानी देते थे वो पूरे हो जाएंगे, और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, कई जगह हम जाते थे, बहनें घूमती थी, भैया 1 रुपया किलो का गेहूं नहीं मिलता, हमें राशन नहीं मिल रहा, वर्षों हो गए राशन में नाम ही नहीं जुड़ा था, जब हमारी सरकार थी तब हमने तैयारी की थी, जब जितने गरीब रह गए सबको फिर से 1 रुपया किलो की सूची बना के हम राशन देंगे, कमलनाथ ने उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन मुझे कहते हो खुशी है मेरे बहनों और भाइयों, हमने सब गरीबों की सूची बनवाई, 37,00,000 नाम निकले, उन सभी 37,00,000 गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं चावल और नमक देने के लिए हमने पात्रता पर्ची जारी कर दी, राशन जाना शुरू कर दिया, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा, और नंदू भैया नारायण पटेल और रहेगा तो बीन बीन के ले आओ, कलेक्टर यहाँ पे मैं निर्देशित कर रहा हूँ, कोई गरीब और छूट गया हो तो कोई गरीब ना छूटे, गरीब की थाली खाली नहीं रहने देंगे, हर गरीब को 1 रुपया किलो गेहूं खाने दिया जाएगा, राम की चिड़ैया है राम कोई खेत, खावी चिड़ैया है भर भर पेट, ये संत सिंगाजी महाराज की भूमि है, कोई गरीब भूखा नहीं देगा, कोई छूट गया हो तो फिर सलाम जुड़वा देना, अपने खजाने में गरीबों के लिए कभी नहीं है, 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक मिलेगा, और मेरे जो छोटे छोटे व्यापारी है फुटपाथ पर रख के सामान बेचने वाले, हाथ ठेला में सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, पॉलिश करने वाले, हजामत बनाने वाले, दाढ़ी बनाने वाले, चाय बेचने वालों, पान बेचने वालों, एक कचौड़ी वालों, वो समोसे वालों, भरिए पकौड़े बनाने वालों, कपड़ा धोने वालों, कबाड़ बीनने वालों, ये जितने भी गरीब हैं, हर साफ सुन लेना, हर एक को अपना काम धंधा और बिजनेस चलाने के लिए 10,000 रुपया बिना ब्याज के दिया जाएगा, जिसकी गारंटी हम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी और ब्याज भी हम भरवाएंगे, ये बेचारे कर देंगे, अगर 10,000 रुपया मिल जाए तो इनके फल बिकेंगे, इनकी सब्जी बिकेगी, इनकी दुकान चलेगी और गरीबों की जिंदगी बदल जाएगी, आपकी आमदनी बढ़ाना है, गरीब की इनकम बढ़ाना है, गरीब की आय बढ़ाना है, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों, और इसलिए स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना हमने प्रारंभ की है, प्रधानमंत्री जी के हाथों 1,00,000 स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए हम बंटवा चुके हैं, और कल फिर कार्यक्रम है, कल फिर 10,000 स्ट्रीट वेंडर
गांव वाले जो बाजारों में काम करते हैं उनके खाते में फिर 10-10 हजार रुपया डलवाने का हम काम कर रहे हैं, ताकि उनका काम धंधा भी चले, उनकी दुकानें भी चले। मेरे बहन और भाइयों, में इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बना कि सत्ता के कुर्सी पे बैठ के आराम से सत्ता भोगूं, उसका आनंद लूं। जनता की जिंदगी बदलने के लिए चौथी बार मुख्यमंत्री बना है शिवराज सिंह चौहान, और इस मौके पर मजा खरीदा। ये मेरी बहने बैठी है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, मेरी बहना अभी अभी मैंने कार्यक्रम किया चार दिन पहले, तीन चार दिन पहले, तुम में से कई शामिल हुई होगी उस कार्यक्रम में जो स्व सहायता समूह की बहनों के लिए किया था। अब तक कितने पैसे मिलते थे, मेरे स्व सहायता समूह कितनी चीजें बनाते हैं। कोरोना में तुमने कमाल कर दिया, पीपीई किट बनाए, सैनिटाइजर बनाए, साबुन बनाए, मास्क बनाए, और इतना कौशल है मेरी बहनों के हाथों में कि थोड़ी सी मदद अगर इनको कर दी जाए ये चमत्कार करके दिखा सकती है। इनकी आजीविका चलेगी, इनका काम धंधा चलेगा, घर का काम करते करते ये परिवार की आमदनी बढ़ा देगी। और इसलिए मेरी बहनों, मैं आज आपको भी कह रहा हूँ, अभी तक तो सरकारें कुछ देती नहीं थी, हमने तय किया 1400 करोड़ रुपया एक साल में तुम्हारे स्व सहायता समूहों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1400 करोड़ रुपया बैंकों से, जिसका ब्याज का अधिकांश हिस्सा हम भरेंगे, और जो चीजें बनाओगी मेरी बहनाओं उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग और उसकी बाकी चीजें बेचने की व्यवस्था वो हम करेंगे, ताकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आ सके। और मेरी बहनों, हमने तय किया है स्कूल की यूनिफॉर्म अब कोई नहीं बनाएगा, स्व सहायता समूह की बहनें सिलेंगी और हम उनसे खरीदेंगे, और कपड़ा भी तुम्हें खरीदोगी। सब कलेक्टर को निर्देश दे दिए कि बीच में कोई नहीं आएगा, दाल भात में मूसल चंद कोई नहीं बनेगा, ये बहने ही कपड़ा खरीदेंगी, यही सिलवाएंगी और यही स्कूलों को सप्लाई करके आमदनी कमाएगी। और सुनो, जितना पोषण आहार बनेगा, अभी तक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनता था, अब बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं बनेगा, ये पोषण आहार भी मेरी बहनों तुम जो फैक्ट्री बना रही हो साफ, उसी में बनवाऊंगा और तुम्हारे हाथों से ही बटवाऊंगा, ताकि तुम्हारी आमदनी और बढ़ जाए। ये जितने काम हो सकते हैं सरकारी खरीदों में भी, विभिन्न चीजें जो तुम बनाओगी उसके लिए सरकार खरीदे उसकी मैं व्यवस्था करूंगा। मेरी कोशिश है कि आजीविका समूह की मेरी बहनें, इनकी आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना हरेक की हो जाए, ताकि इनके परिवार की जिंदगी ठीक चलने लगे। एक भी अनेक अभी आप लगातार रोज देख रहे होंगे, सवेरे 10:30 बजे मैं कोई ना कोई योजना के पैसे डालता हूँ। कांग्रेसी बड़े हैरान है, मुझे पूछते हैं कमलनाथ तो कह रहे थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, मामा कहां से आ रहा है ये तो बता दे रे, 4 दिन का चिराग हाथ में लग गया है। अरे मैं कह, जा चाह होती है हर राह को निकलना ही पड़ता है। भगवान ने भी इच्छा की सृष्टि की रचना हो जाए, तो शून्य से सृष्टि पैदा हो गई, और हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर एक का राज्य बन जाए, तो हम बना के रहेंगे। और ये गरीबों, किसान हो, नौजवानों, मेरे बेटा बेटी हो, आज ही सरकारी भर्तियों में, सरकारी नौकरियों में भर्ती के आदेश जारी करके आया हूँ। बहुत दिन हो गए, कई दिनों से सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं निकली, अब पुलिस में भर्ती होगी, शिक्षा विभाग में भर्ती होगी, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होगी, ताकि रोजगार के नए साधन तुमको मिल सके। और एक बात और हमने की है, यहाँ की फैक्ट्री की बात आई, NLDC की बात आई, नंदू भैया तय कर दिया है कम से कम 70% नौकरी स्थानीय नौजवानों को ही इन फैक्ट्रियों को भी देनी पड़ेगी। कोई बाहर का मामला है, कोई बाहर का व्यक्ति आके करे 70% कम से कम, उसकी भी हमने व्यवस्था कर दी है। मानधाता का जो विकास हुआ है, आज मुझे भाषण देकर बताने की जरूरत नहीं है, आज मुझे लोकेंद्र तोमर भी याद आ रहे हैं, दिग्विजय उनका बेटा यहाँ बैठा हुआ है, लोकेंद्र भी पीछे पढ़ पढ़ के लगातार विकास करवाते रहते थे, आज मैं फिर आया हूँ। लंबी बात कहने का अवसर नहीं, क्योंकि खकनार में कार्यक्रम है, और खकनार के बाद फिर मुझे इंदौर भी लौटना है। आज मैं फिर से विकास की नई गंगा बहाने की शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले ओंकारेश्वर वालों पत्ते का विषय था, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी आया था, आज यहाँ आया हूँ तो ओंकारेश्वर वालों को पट्टा देने का आदेश साथ लेके आया हूँ। ओंकारेश्वर में पट्टा दे लेंगे, बनग्राम और राजस्व ग्राम पुनासा घोषित ये मांग आ जाइए डीनोटिफाइड करवाने के लिए, दिल्ली चर्चा करके उनकी समस्या का भी हम समाधान करेंगे। संत सिंगाजी समाधि स्थल तक आपने
रोड निर्माण की 3 किलोमीटर की डबल गोला पहुंच मार्ग तक बात की है। नारायण नारायण हो जाएगा रे, संत सिंगाजी महाराज के समाज तक जाना है। नगर मोदी को तहसील का दर्जा, अभी तक जितने भी दर्जे दिए आप बताओ कभी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने दिए थे क्या? अरे आज जोर से बता दो, दिए थे क्या? और 15 महीना में कोई विकास के काम इन्हें किए थे क्या? तो सुन लो मोदी वालों, मोदी नगर मोदी को तहसील का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। अब नंदू भैया भी मुझे कह रहे थे, नारायण भी कह रहे थे कि किल्लौर तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, मेरा तहसील तो बड़ी छोटी बनेगी। बोल नहीं, वो पटेल साहब के क्षेत्र में से होकर जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत का बात, बड़ा दिक्कत का मामला है। और इसलिए अपवाद स्वरूप एक छोटा इलाका जो चारों तरफ पानी से घिरा है, उस किल्लौर को भी तहसील का दर्जा दे दिया जाएगा, ताकि उनको आने जाने की जो परेशानी है वो समाप्त हो सके। और पुनासा को क्या करना है, नगर पंचायत बनाना है क्या पुनासा वालों? अरे सब जोर से बताओ, बनाना है क्या? अब बनाना है तो जो पंचो की राय है वो मामा की राय, पुनासा को नगर पंचायत बना दिया जाएगा। आपने पुनासा और सिंचाई योजना, वो तो कहते थे इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। पिछली बार क्या भाषण आपने दिया था, मेरे पिया घर आए और राम जी क्या गाते थे, तो दिग्विजय सिंह को लेके आए थे जब वो मुख्यमंत्री थे, राजनारायण जी मुनी भगवान ने कह दिया इम्पॉसिबल, पुनासा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। अरे उनका जो असंभव हो उसको संभव बनाना शिवराज सिंह चौहान का काम है। हमने पुनासा उत्पन्न सिंचाई योजना बना दी, अब उसमें माइक्रो की सुविधा की आपने बात कही है, पूरा परीक्षण करके इसका एक बार फिर से एस्टीमेट बनवाएंगे, क्योंकि 1 करोड़ तो कमलनाथ के जमाने का है, सही है कि झूठ है हमें क्या पता। अब हम फिर से बनवाएंगे, ठीक से सर्वे करवाएंगे और ये माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का अनुमोदन किया जाएगा, ताकि इसे एरिया हम फिर से बढ़ा सके। बोराड़ी वाल उद्वहन सिंचाई योजना से जो 7 गांव वंचित है उनको भी उद्वहन सिंचाई योजना में जोड़ा जाएगा। और नर्मदा नगर की बात मैंने कह दी, बनीग्राम राजस्व ग्राम की, अभी तो ये ट्रेलर है नारायण, अभी विकास का ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। 3 साल में 15 महीना में जो सोचा था, ये कह रहे थे सब मुद्दे रखे थे, अरे उनके दिल में कुछ था ही नहीं, विधायक आए बाहर जाओ और कहीं का बड़ा ठेकेदार आ जाए तो वो कहते थे अंदर आओ लेके आओ। पूरे मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था कमलनाथ जी, और आपने दिग्विजय सिंह जी आपने धोखा दिया। 2 लाख रुपए के कर्जे माफ की बात हुई, मैं आज कह रहा हूं इस भरी सभा में, कुल 6000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ, उसका भी पैसा नहीं दिया, सर्टिफिकेट बांट दिए। अब बैंक वाले मुझसे पैसे मांग रहे हैं, दे दो पैसा मामा, काहे के बोले कमलनाथ प्रमाण पत्र बांट गए। ये सच्चाई है, वो धोखा देने वाले, जनता के साथ छल करने वाले, बेईमानी करने वाले। मेरे बहन और भाइयों, 7.5 साल में मध्य प्रदेश का इतना नुकसान किया कि दिल में तकलीफ होती है, आत्मा में तकलीफ होती है। मैं आपको वचन देता हूं, आने वाले 3 साल में मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के आपको ले दूंगा, उसके लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। आज कितनी योजनाओं का लाभ, अलग अलग योजनाओं का लाभ हमने प्रतीकात्मक रूप से दिया था, हजारों लाभार्थी आज यही हमने लाभान्वित किए मेरे बहन और भाइयों। लेकिन इसके लिए जरूरी है नारायण को आशीर्वाद दे दो। अरे दोगे कि नहीं दोगे? जरा इधर वाले बताओ, नारायण को आशीर्वाद दोगे? जोर से बोल के बताओ, दोगे? और सामने वाले भी देंगे और मेरी बहनें भी देंगी? अरे दिल से बताओ, सगा भैया बोल रहा हूं सोते ना नहीं, सब देंगी? तो आइए सब मिलकर तय करें, बेईमान जो कांग्रेस पार्टी थी उसको सबक सिखाए, और नारायण जिसने त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया है उसको आशीर्वाद दे, ताकि शिवराज सिंह चौहान टेम्परेरी नहीं परमानेंट मुख्यमंत्री बन जाए। बोलो परमानेंट बनाने के लिए तैयार हो? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के नारायण पटेल को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प हो, तैयार है? तो उठाइए दोनों हाथ और खड़े होकर ही संकल्प हो जाए, आज अपनी अपनी जगह खड़े होकर संकल्प लेंगे नारायण पटेल को जिताने का, फिर से भाजपा की सरकार बनाने का। उठाइए दोनों हाथ, मान्य दोनों मुट्ठी
और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, संत सिकाजी महाराज की, बुखारदास महाराज की, संत सेवादास महाराज की, कंचा मामा की, हर हर नर्मदे। अच्छा नारायण भजन लड़ा रहे हैं, कह रहे पीछे वाली और रहे, तो ये भी मैं निश्चित तौर पर करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो हो गया ना, ओंकारेश्वर का जो जमीन में पट्टे देने के लिए मन परिवर्तन का मामला था, उसके आदेश जारी कर दिए गए ओंकारेश्वर वालों, बोले ओंकार महाराज जी। मानधाता के प्रभारी हमारे कंवर पटेल जी कृषि मंत्री जी है, माफ करता हूँ वो जल्दबाजी में उनका नाम छोड़ गया था, उनको हरदा विधानसभा से ज्यादा यहाँ मेहनत करना है।